हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और आप सब कैसे हो मुझे बताइए। और आप ऐसे तो बता नहीं सकते हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा आप कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप जो 30 के हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो 30 में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जो 30 प्लस हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरा वीडियो देखिए, और मैं जो टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, जो हैक बताऊंगी, वो आपको फॉलो करना है, डेफिनेटली फॉलो करना है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर, और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और हिट करेंगे तो जैसे ही आप हिट करेंगे मेरा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट अपना वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 30 की है वो अपने बॉडी का, अपने अपने शरीर का, अपने जो स्किन का कैसे ध्यान रखना है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कैसे रखना है, क्या करना है, बहुत से लोग करते भी होंगे। हाँ, बहुत से लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये उनको ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आज उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सारे जो मैं बताऊँगी आपको, प्लीज़ एक बार एक मंथ आप कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपकी स्किन अच्छे से ब्रीथ भी करेगी, आप एनर्जी भी रहेगी आपकी स्किन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट मेरा क्या है कि आप जैसे ही उठते हैं सुबह तो आप क्या करते हो, आप जल्दी जल्दी से काम करके अपना किचन का काम करना, अपने अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपना किचन का काम करना शुरू कर देती हैं। आप फ्रेश होकर नहा धोकर जो भी करती हैं, आप उसके बाद अपना किचन का काम शुरू कर देती हैं, किचन में ही जाती हैं सबसे पहले, क्योंकि हाउसवाइफ हैं तो वो क्या करेंगी, सबसे पहले यही करेंगी। उसके बाद जो लोग वर्किंग वूमन होती हैं वो क्या करती हैं, तैयार होकर अपने ऑफिस जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जैसे वो उठती हैं उसी समय सिर्फ आपको क्या करना है, आपको फेस वॉश, अपना पेस्ट जो आप ब्रश करते हो ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टिप्स है ये आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ल्यूकॉम वाटर लेना है। ल्यूकॉम वाटर लेंगे, उसमें आप लेमन को डाल लीजिए, लेमन का जूस हाफ लेमन डाल लीजिए या फुल पूरा लेमन भी आप ले सकते हो। एक अगर आप ज़्यादा खट्टा पीते हो या आप अगर खट्टा नहीं पी पाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हनी मिला लीजिए, तो इसके साथ आपको लेना है। या फिर आप ये दोनों ही चीज़ें नहीं लेना चाहते हो तो एप्पल साइडर विनेगर आता है वो ले लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा उसमें आप वेरिएशन करते रह सकते हो। जैसे आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हो, रात में ही आप बना के रख लीजिए वो ले लीजिए, बट लेना जरूर है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। जो आप सुबह उठते हैं ना, जैसे ही आप थोड़ा सा ल्यूकॉम वाटर पीते हो ना, तो आपकी स्किन, आपकी जो एनर्जी होती है वो दुगनी हो जाती है। और विटामिन सी वाला लेंगे ना जब आप वाटर, तो आपकी जो स्किन है, आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी स्किन इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, आपकी स्किन हेल्दी भी हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। तो ये हो गया मेरा पहला टिप, ये भी आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले उठ के यही करना है आपको, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद सबसे पहले ये करिए। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको उठ जाइए, उसके बाद आपको आप योगा कर लीजिए, आप डांस कर लीजिए, आप मतलब आप वॉक कर सकते हो, आप जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, चाहे आप जैसे सीढ़ियाँ होती हैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, आधे घंटे आपको इस तरह की चीज़ें करनी है। आप आधा घंटे का समय निकाल लीजिए, बस सुबह में सिर्फ आधा घंटा आपको चाहिए कि आप वॉक करें, आप डांस करें, आप रिलैक्सेशन, आप योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, बट करें, क्योंकि उससे एनर्जी आती है, एनर्जी आएगी आपको, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। सेकंड बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, फर्स्ट तो आपको पानी पीना है, सेकंड आपको वॉक करनी है, डांस करना, कुछ भी कीजिए बट करिए, क्योंकि इससे आपकी जितनी भी इम्प्योरिटी होगी, जो भी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा, इम्प्रूव होगा, और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आप एनर्जी वाले भी रहेंगे। तो आपको ये करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेंगी। तो थर्ड क्या है,
थर्ड ये है कि आप जब भी कहीं जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, आपको अगर डायरेक्ट सनराइज में जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। ये मैं हर सभी को बोलती हूँ, चाहे वो टीनेज गर्ल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी एज वाले हो, मतलब कि 15 से शुरू कर देना चाहिए, मुझे लगता है। आई थॉट मुझे लगता है या मतलब सभी लोग करते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं 50 एज से 15 एज के जो रहते हैं उनको शुरू कर देना चाहिए कि उनको हमेशा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन लगाते हैं ना तो आपकी जो स्किन है वो खराब नहीं होती है, आपको टैनिंग नहीं होगी, टैनिंग नहीं होगी तो आपकी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे नहीं होंगे। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड टिप्स है आपके लिए। और फोर क्या है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, वाटर, वाटर बहुत ज़्यादा इंटेक बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ल्यूकम वाटर पीना ही है, वो तो सुबह का हो गया, लेकिन सब फिर बाद में क्या करना है, पूरे समय दिन भर आपको वाटर पीना है। लेकिन आपको करना क्या है, डिनर से पहले, लंच से पहले, आपको 1 घंटे पहले आपको पानी पी लेना है, आधे घंटे पानी पी लीजिए, आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए। लेकिन आपको खाने के साथ या लंच के साथ पानी नहीं पीना है। पानी आप उसके साथ पियेंगे ना तो आपको जो बॉडी को जो जो आपने फूड लिया है वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, मतलब वो टाइम लेता है एडजस्ट होने, मतलब जो पूरा उसका प्रोसेस होता है वो उसको टाइम लगता है उसको करने में अपने सारे काम। तो इससे अच्छा है कि आप आधे घंटे पहले पानी ले लीजिए, उसके बाद आप फिर आप खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद पानी पी सकते हो। फिर आप खाना खा लीजिए, आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिए, आधे घंटा या 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए, तो आपको बहुत बेस्ट रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं जो भी बता रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा बता रही हूँ, आप प्लीज़ 1 महीने फॉलो कर लीजिए, सिर्फ 1 महीने मेरे कहने से, मेरा वीडियो देखने से। मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हो, मुझे कुछ मानते हो, मेरी कोई बात आप समझते हो कि हाँ मैं कुछ अच्छा ही बोल रही होंगी, तो आप सिर्फ 1 महीना इस सारी चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ वो करके देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। आप हमें ऐसे 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 मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग मैंने टिप्स दिया है। तो चलिए ये हो गया आपका थर्ड, हाँ थर्ड हो गया, थर्ड या फोर्थ हो गया, पता नहीं कौन सा हो गया, बट हो गया। और फिर आपको क्या करना है कि आपको अच्छा अच्छा फूड खाना है, फूड आप अच्छा खाइए, आप वेजिटेबल्स अच्छी खाइए, आप मतलब फ्रेश खाइए, जो भी खाइए फ्रेश खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। जैसे कि आप दही ले लीजिए, आप मतलब खाने में अच्छी अच्छी विटामिन्स भरी वाली, विटामिन वाली चीज़ें लीजिए, हर एक चीज़ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। जैसे आपको किस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप वो चीज़ ज़्यादा लीजिए। जैसे किसी किसी को बहुत सी चीज़ों की, आजकल तो लेडीज़ों को कितनी प्रॉब्लम चलती है, बहुत सी लेडीज़ों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे उनको ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है लेडीज़ों को। तो क्यों होती है, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखती, केयर नहीं करती। ध्यान भी रखना है, केयर भी करना है, अपनी फैमिली का भी केयर करनी है, आपको भी अपना भी ध्यान रखना है। तो अपना ध्यान रखिए पहले, फिर आप फैमिली का ध्यान रख पाएंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले अपने को अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए, तब आप जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी ध्यान रख पाएंगे। तो ये मेरा टिप है आपके लिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, जंक फूड मत लीजिए, जंक फूड कभी कभार चलता है, हमेशा नहीं चलता है। तो अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी रहेंगे तो बेस्ट रहेंगे। और उसके बाद क्या कीजिए, निगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए, कुछ भी टेंशन से दूर रखिए अपने आप को, जितना हो सके टेंशन से दूर रखिए। टेंशन आपको अपने पास आने ही नहीं देनी है, टेंशन होती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा जब हम इस दुनिया में हैं तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं, बहुत से घर में भी ऐसे लोग होते हैं कि टेंशन क्रिएट हो जाती है, बट आपको उस चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने जो एनर्जी है अपने अच्छे अच्छे कामों में लगाइए, अच्छी अच्छी सोच रखिए, अच्छे थॉट लाइए अपने दिमाग में, अच्छा सा अच्छे अच्छा अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। सॉरी, सबके लिए यही टिप है मेरा कि अच्छा अच्छा सोचिए तो सब कुछ अच्छा होगा। भगवान सबके लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं, खराब कभी नहीं करते हैं।
अगर उन्होंने कुछ खराब करना है, खराब दिया, खराब उस समय चल रहा है आपका जो समय है वो खराब चल रहा है, तो समझ लीजिए उसके बाद आपका अच्छा समय आएगा, जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव रखेंगे तो अच्छा समय आएगा ही। आपको गाना है ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो वही चीज है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हमेशा ये सोच रखिए कि अच्छा टाइम आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अच्छी सोच रखेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि अच्छे से सोइए, अच्छे से जागिए, आप अच्छे अच्छे चीजें सोचें अच्छे। और टिप्स मेरा और भी ये है कि आप अच्छी से अच्छी चीजें आप अप्लाई कीजिए, जैसे कि सेरेमन जो जो होता है ना, सिरम, सिरम आप लगाइए, अप्लाई कीजिए। 30 एज वाले हैं तो आपको सिरम अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सिरम जो होता है ना, विटामिन सी वाला सिरम आते हैं बहुत। अभी तो पर्पल पे बहुत ही अच्छे अच्छे सिरम आ गए हैं जो सस्ते भी है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, और आप बस इतने इतने से होते हैं, लेकिन वो बहुत समय और बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छे हैं। आप एक बार उनको लेकर देखिए, और बहुत सारे वेरिएशन हैं उसमें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन विटामिन सी वाला ना, आपकी जब आप 30 के हो गए तो वो आपके लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो आपको वो उस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। और क्या करना है कि अच्छे से अच्छे पैक लगाइए जो, और क्रीमों में आप जो भी मॉइस्चर क्रीम लगाते हैं आप, तो उसमें आप देख लीजिए कि कौन सी आपके लिए अच्छी है। मतलब हर क्रीम पे लिखा होता है कि एंटी एजिंग वाली क्रीम ही आपको सूट करेगी, आपको वही यूज़ करनी चाहिए। कोई भी किसी भी ब्रांड की यूज़ करेंगे तो आप पहले उसके इंग्रेडिएंट्स पे देख लीजिए कि क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है, इस क्रीम में किस किस चीज़ों से ये बनी हुई है। तो आप ये सारी चीज़ें उसमें जब देखेंगे ना, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उसमें, तो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, वो अच्छे भी रखेगा, आपकी स्किन में रिंकल्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, और फाइन लाइन्स तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप अच्छी चीज़ लगा रहे हो, अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो अच्छा ही रहेगा। और क्या चीज़ है कि आप अच्छा तो सोचना ही है आपको, अपने घर को हमेशा खुश, अपने घर में कैसी खुशियां रखनी है, अपने घर वालों को कैसे खुश रखना है, हर चीज़ को सोचना पड़ता है ना, हर चीज़ को समझना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कोशिश करते रहिए कि हमेशा आप अपन खुश रहें, हमेशा खुश रहें। बस खुश रहने के लिए अच्छी अच्छी सोच रखिए, सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी होगी ना, तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये मैं प्रॉमिस है मेरा। और जो जो मैं जितने भी टिप बता रही हूँ, तो आपको वो करना जरूर है। आप 1 मंथ प्लीज करके देखिए, और मुझे तभी कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे ये सारे अच्छे लगे, आपके पॉइंट्स जो भी आपने बोला। तो प्लीज ये फॉलो जरूर कीजिएगा, जो भी मैंने आपको बोला है ना, सारे फॉलो करेंगे ना आप लोग, तो आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी, ग्लो भी करेगी, आप एनर्जी भी रहेगी, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, और आप में एनर्जी बहुत रहेगी। आपको दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो कि हाँ देखो, मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी अच्छी दिखती हूँ। तो ये सब आप फॉलो करते रहिए। हाँ मैं जानती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं सभी की लाइफ में, है ऐसा तो कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं, कभी कभी टाइम लगता है कोई चीज़ें सॉर्ट आउट होने में, तो उसको थोड़ा समय दीजिए, होगा, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो पॉसिबल कैसे आपको बनाना है, पॉसिबल हर चीज़ को पॉसिबल ही सोचिए, पॉजिटिव वे में लीजिए, कोई भी चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए, अच्छा ही अच्छा होगा, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को जरा उस पर गौर कीजिएगा, और मैं जो कहती हूँ, और मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए, मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ, आपको अपना मानती हूँ, आपको मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर चीज़। और भी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ों को शेयर करूँगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने में अपनी मदद मुझे कीजिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को तो लाइक कीजिएगा,
और शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मैं फेसबुक पर भी हूँ, इंस्टा पर भी हूँ, तो आप वहाँ पर भी मेरे वीडियोस देख सकते हो। आप रिचार और डालोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर भी। और मेरा रिचार और नाम का पेज होगा, उस पर ही आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट करना है मुझे। कमेंट करके मुझे बताइए ना, आपको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, कैसी चीज़ें पसंद आती हैं। तो अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन होता है, उसको हिट कीजिए। हिट करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे तो मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बात हो जाती है और मैं गिव अवे कर रही हूँ, मैं कितना बोलूँ समझ में नहीं आता। मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए मुझे रोज रोज बोलना पड़ता है क्योंकि क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग नए आते हैं तो नहीं समझ आता उन लोग को क्या करना है। और ये बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब वाला भी फ्री होता है, लाइक भी फ्री होता है। तो आप लोग कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी, मतलब आप लोग इतने कंजूसी क्यों करते हो लाइक करने में। प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक क्या प्रॉब्लम होती है उसमें। जो लोग भी यूट्यूब पर आते हैं तो वो उनको मोटिवेशन मिलता है बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ वो मोटिवेट होते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मेहनत भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, क्योंकि उन लोग को, हम लोग को खुशी मिलती है, हम लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि सबको ये अच्छा लगे, हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे, हम लोगों के वीडियो अच्छे लगे। बस यही बात होती है और कुछ भी नहीं है इसमें बड़ा, और कोई भी चीज़ इसमें मायने नहीं रखती है। हम लोग तो यही सोचते हैं, हम लोगों की सोच ये है कि आप लोग के साथ कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, कैसे आपको अच्छी सोच दी जाए। बस यही है हम लोगों का, यूट्यूबर्स का कहना और आप लोगों के साथ शेयर करना, सिर्फ यही बस, और कुछ भी नहीं है। आप बस मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाय।